संगम साहित्य का संकलन कहाँ पर किया गया था? कोरकाई में, तंजावुर में, मदुरई में, उरैयुर में? इस प्रश्न का उत्तर है मदुरई में। संगम का अर्थ है तमिल रचनाकारों का संगठन। संगम साहित्य प्राचीनतम तमिल साहित्य को बोला जाता है। संगम साहित्य की कविताएं पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा लिखी गई हैं। सभी तमिल कविताओं का संकलन 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच अलग-अलग शहरों में किया गया था। ये शहर है मदुरई और कपतपुरम। क्या आपको पता है कि संगम रचनाओं में अहम और पुरम का क्या अर्थ होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 5, 6, 8, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 4। 1950 में संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 216 बताई गई थी। इसमें से 12 लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। आज राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 245 हो चुकी है, लेकिन मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 ही है। इन सभी सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सर्विस के क्षेत्रों में योगदान देने वाले जाने माने लोगों में से मंत्रिपरिषद की सलाह पर चुनते हैं। अक्सर ये नॉमिनेशन राजनीति से प्रेरित रहते हैं। क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। आधुनिक भारत के इतिहास में कांग्रेस का लखनऊ का सत्र महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऑप्शन 1, उस समय हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी, ऑप्शन 2, अतिवादियों और उदारवादियों का मेल हुआ, ऑप्शन 3, इस सत्र में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ, ऑप्शन 4, ऊपर के सभी कारण। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 4। 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। उस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होने से हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। इस समय एनी बेसेंट के प्रयासों से अतिवादियों और उदारवादियों के बीच 1907 में सूरत में आई 10 साल पुरानी खाई को पाटने का काम भी हुआ। क्या आपको पता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, ब्रुसेल्स, लंदन, काहिरा? इस प्रश्न का उत्तर है ब्रुसेल्स। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूरोप के 10 और उत्तरी अमेरिका के 2 देशों की सरकार के बीच 1949 में हुआ था। ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध के दौरान इन 12 देशों को ज़्यादा सुरक्षा की भावना देने के लिए हुआ था। आज इसमें शामिल सदस्यों की संख्या 12 से बढ़कर 30 हो चुकी है। ये देश अपनी सेनाओं पर कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा खर्च करते हैं। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मौजूद है। क्या आपको पता है कि नाटो के सदस्य देशों में अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत सेनाओं पर खर्च करने का समझौता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल भवन क्या था? स्नानागार, अन्न भंडार, बैरक, असेंबली हॉल? इस प्रश्न का उत्तर है अन्न भंडार। मोहनजोदड़ो ईसा से 2500 साल पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में निर्मित सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीनतम स्थलों में से एक है। इसकी खुदाई 1924-25 में हुई। यहाँ पर हमें मृतकों का टीला, स्नानागार, कांसे की नर्तकी, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति और पशुपति की मुहर मिली है। लेकिन यहाँ खुदाई में मिला सबसे बड़ा भवन अन्नगार था। क्या आपको पता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किस खोजकर्ता ने करवाई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। माल्टा नामक देश किस समुद्र में स्थित है? बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, उत्तर सागर? इस प्रश्न का उत्तर है भूमध्य सागर। माल्टा यूरोप का भूमध्य सागर में स्थित दुनिया का 10वां सबसे छोटा देश है। इसकी आबादी 5 लाख से थोड़ी ज़्यादा और क्षेत्रफल 316 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी वेलेटा है। इसके समुद्री पड़ोसी देश में उत्तर में इटली, पश्चिम में ट्यूनीशिया,
और दक्षिण में लीबिया है। यहाँ के 90% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। पहले ये ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन 1964 में इसे आज़ाद कर दिया गया। क्या आपको पता है कि ट्यूनीशिया और लीबिया की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? हाथी, गाय, अश्व, कुत्ता। इस प्रश्न का उत्तर है अश्व। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग शाकाहारी भोजन के साथ ही साथ मांसाहारी भोजन भी करते थे। मांसाहार और अन्य दूसरे कामों के लिए इस सभ्यता के लोगों ने कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, मुर्गे, सुअर, ऊंट और भैंस पाली हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एशियाई हाथी को भी पालतू बनाया था। एक जानवर जिसका हड़प्पा वालों को ज्ञान नहीं था वह है घोड़ा। घोड़े के हड़प्पा सभ्यता में होने के हमें कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। हाँ, एक या दो जगह पर हमें घोड़े के अवशेष ज़रूर मिले हैं। क्या आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से किन चीज़ों का व्यापार करते थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? चिली, जापान, फिलीपींस, यूएसए। इस प्रश्न का उत्तर है यूएसए। ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस अमेरिका के वॉशिंगटन प्रांत में स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटो वॉल्केनो है। ये प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी श्रृंखलाओं का हिस्सा है। दूसरे ज्वालामुखी पर्वतों की तुलना में सेंट हेलेंस काफ़ी यंग पर्वत है। इसका निर्माण पिछले 40,000 सालों के अंदर ही हुआ है। अभी ये पर्वत एक प्रसिद्ध पर्वतारोहण की जगह है। क्या आपको पता है कि रिंग ऑफ फायर क्या है और ये कैसे बनती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस चीज़ का प्रयोग हड़प्पा काल में नहीं होता था? इक्का गाड़ी, कांस्य, तांबा, धातु की विनिमय मुद्रा। इस प्रश्न का उत्तर है धातु की विनिमय मुद्रा। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। इस समय के लोगों को सोना, चांदी, कांसा और तांबा जैसी अनेक धातुओं का ज्ञान था। इस सभ्यता के अनेक स्थलों से हमें बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी भी मिली है। लेकिन इस सभ्यता के लोग धातु की मुद्रा प्रयोग में लेते थे या नहीं, इस बात पर इतिहासकारों में मतभेद है। ज़्यादातर का मानना है कि ऐसा नहीं होता था, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ से मिली मुहरें हो सकता है मुद्रा के तरह प्रयोग की जाती रही हों। क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी के किस स्थल से हमें खिलौने की बैलगाड़ी मिली है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सी जलराशि ईरान की सीमा को छूती है? अरल सागर, बालकश झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर। इस प्रश्न का उत्तर है कैस्पियन सागर। ईरान की पूर्वी सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पश्चिमी सीमा तुर्की, इराक और उत्तरी सीमा तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान से लगती है। इसके दक्षिण में फारस की खाड़ी पड़ती है, जिसका नाम ईरान के पुराने नाम फारस पर पड़ा है। इसकी उत्तरी सीमा का कुछ हिस्सा कैस्पियन सागर भी बनाता है। कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले दूसरे देश तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और अजरबैजान हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक जलराशि कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताएं। सिंधु सभ्यता का अवसान काल निम्न में से किसके करीब है? 2100 BC, 1500 BC, 1900 BC, 2250 BC। इस प्रश्न का उत्तर है 1900 BC। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इतिहासकारों के बीच इसके समय को लेकर काफ़ी मतभेद है। फिर भी ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 3300 से 2500 ईसा पूर्व तक पूर्व हड़प्पा काल था। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हड़प्पा काल रहा। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता ढलने लगी और 1900 से 1300 के बीच इस सभ्यता का अवसान काल रहा, जिसे उत्तर हड़प्पा काल भी बोलते हैं। क्या आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर खोजे गए नगर किन नदियों के किनारे स्थित हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। विक्टोरिया झरना किस नदी से संबंधित है? अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, जाम्बेजी। इस प्रश्न का उत्तर है जाम्बेजी नदी।
विक्टोरिया झरना अफ्रीकी देश जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। 1700 मीटर से भी ज़्यादा चौड़ा होने की वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा झरना माना जाता है। हालांकि इस झरने का नाम इंग्लैंड की रानी के नाम पर विक्टोरिया रखा गया है, लेकिन इसको मोसी ओया तुनिया बोला जाता है। इस शब्द का मतलब होता है धुआं जो गरजता है। क्या आपको पता है कि भारत के सबसे चौड़े और सबसे ऊंचे झरनों के क्या नाम हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। ऋग्वेद के मंडलों की कुल संख्या कितनी है? 9, 7, 10, 17। इस प्रश्न का उत्तर है 10। हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों में से पहले और 10वें मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। बाकी के 8 मंडल प्राचीन माने जाते हैं। इन 10 मंडलों को कुल मिलाकर 10,600 मंत्र और 1,028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की भाषा पर रिसर्च करके पता लगाया गया है कि इसकी रचना भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की गई थी। कुछ लोग इस समय को 1900 से 1200 ईसा पूर्व भी बताते हैं। क्या आपको पता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान या IITM कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, कोयम्बटूर, पुणे। इस प्रश्न का उत्तर है पुणे। IITM भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ऑटोनॉमस संस्थान है। इसकी स्थापना 1962 में भारत के तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पुणे में की गई थी। 1984 तक ये संस्था पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आती थी। 1985 में इसे विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया। 2006 में इसे नए बने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया। क्या आपको पता है कि भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। ऋग्वेद काल में कौन से देवता अज्ञात थे? इंद्र, वरुण, अग्नि, शिव। इस प्रश्न का उत्तर है शिव। ऋग्वेद काल में प्रकृति के प्रतिनिधियों के रूप में 3 प्रकार के देवताओं की पूजा होती थी। आकाश के देवताओं में सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, आदित्य आदि आते थे। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य आदि थे। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि थे। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में शिव की पूजा नहीं होती थी। क्या आपको पता है कि पर्जन्य और पूषण किन चीजों के देवता थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 हरारिस सालिसबरी, ऑप्शन 2 इथियोपिया अबिसिनिया, ऑप्शन 3 घाना डच गुयाना, ऑप्शन 4 किनशासा लियोपोल्डविल। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इसको 1982 तक सालिसबरी बोला जाता था। इथियोपिया को पहले अबिसिनिया नाम से और किनशासा को लियोपोल्डविल नाम से जाना जाता था। घाना पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है जो आइवरी कोस्ट, बर्किना फासो और टोगो से अपनी सीमाएं साझा करता है। डच गुयाना सूरीनाम को बोला जाता है। सूरीनाम करीब 400 सालों तक डच लोगों का गुलाम था। क्या आपको पता है कि भारत के किन शहरों के नाम पिछले कुछ वर्षों में बदले गए हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सी प्रथा ऋग्वेद काल से संबंधित नहीं है? बाल विवाह, विधवा विवाह, नियोग प्रथा, कार्य के अनुसार वर्ग विभाजन। इस प्रश्न का उत्तर है बाल विवाह। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की दशा काफी अच्छी हुआ करती थी। लड़कियों का उपनयन संस्कार भी होता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह, नियोग और बहुपति विवाह जैसी चीजें प्रचलित थीं। स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थीं और वेदों की ऋचाएं भी रचती थीं। समाज में पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन नहीं था। कुछ कन्याएं आजीवन अविवाहित भी रहती थीं। इनको अमाजु कहा जाता था। क्या आपको पता है कि ऋग्वैदिक कालीन वस्त्रों को किन किन नामों से बुलाया जाता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से
कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। इस प्रश्न का उत्तर है चीन। अगर बात करें कोयले के रिजर्व की तो सबसे ज़्यादा कोयला अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ दुनिया के कुल कोयला भंडार का लगभग 24% कोयला मिलता है। इसके बाद रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन चीन में होता है। भारत उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। चीन भारत से 5 गुना कोयला अकेले ही पैदा करता है। चीन और भारत के बाद इंडोनेशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। क्या आपको पता है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा रिजर्व किन राज्यों में मिलता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। इब्ने बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। इस प्रश्न का उत्तर है मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का एक मुस्लिम स्कॉलर और यात्री था। जीवन के लगभग 30 सालों में उसने अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बहुत से देशों की यात्राएं की। उसने आधुनिक इतिहास में किसी भी दूसरे यात्री से ज़्यादा करीब 117,000 किलोमीटर की यात्रा की। जब वो भारत आया तो मुस्लिम दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर जाने जाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तुगलक ने उसे काजी के पद पर नियुक्त किया। क्या आपको पता है कि भारत में दूसरे देशों से आने वाले कुछ प्रमुख यात्री कौन कौन से थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। सामाजिक समता का अर्थ है ऑप्शन 1 कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन 2 अवसर की समानता, ऑप्शन 3 धन का समान वितरण, ऑप्शन 4 राज्य के मामलों में भाग लेने के लिए समानता। इस प्रश्न का उत्तर है अवसर की समानता। देश में कानून के समक्ष समता और राज्य के मामलों में भाग लेने की समता के बावजूद भी अगर देश में सामाजिक समता ना हो तो देश के वंचित वर्ग का विकास उचित ढंग से नहीं हो पाता है। सबल और वंचित वर्ग की इस खाई को पाटने के लिए ही भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता ही सामाजिक समता होती है। क्या आपको पता है कि धन के वितरण की समता को क्या बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस साम्राज्य की सीमा रेखा में हुई थी? शाक्य, मल्ल, लिच्छवी, मगध। इस प्रश्न का उत्तर है मल्ल। सिद्धार्थ गौतम का जन्म आज के नेपाल देश के लुम्बिनी नामक जगह पर शाक्य गणराज्य में हुआ था। शादी के कुछ समय के उपरांत उन्होंने घर छोड़ दिया और ज्ञान प्राप्त करके उसे जन जन तक पहुंचाने का काम शुरू किया। अपने जीवन के कई दशकों तक उन्होंने भिक्षा मांगकर जीवन यापन किया। 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु आज के कुशीनगर में हुई। वर्तमान में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन उस समय ये मल्ल महानगर के अंतर्गत आता था। क्या आपको पता है कि बुद्ध की पत्नी और बच्चे का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं। अंतर्राष्ट्रीय उल्कापिंड दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून, 27 जून, 31 जून, 24 जून। इस प्रश्न का उत्तर है 30 जून। अंतर्राष्ट्रीय उल्कापिंड दिवस को 1908 में हुई तुंगुस्का घटना की बरसी के तौर पर याद किया जाता है। 30 जून 1908 के दिन एक बहुत बड़े उल्कापिंड की वजह से 2000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा के जंगल नष्ट हो गए थे। 30 जून को हर साल लोगों को उल्कापिंडों के बारे में जागरूक किया जाता है और बताया जाता है कि उल्कापिंड से धरती को बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संसद का मतलब है ऑप्शन 1 राज्यसभा लोकसभा, ऑप्शन 2 राज्यसभा लोकसभा प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा, ऑप्शन 4 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। भारत में किसी भी कानून को पारित करने के लिए 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले बिल को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। पास होने के बाद बिल दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। मंजूरी मिलने के बाद ही बिल कानून बदलता है। इसलिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनाते हैं।
क्या आपको पता है भारत की पहली लोकसभा में कितने सांसदों का चयन हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं। ओबी-तोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इस प्रश्न का उत्तर है असम। ओबी-तोरा वन्यजीव अभयारण्य ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर असम के मोरीगांव जिले में स्थित है। इसे वन्यजीव अभयारण्य 1987 में बनाया गया था। यहाँ की जलवायु घास के मैदान वाली है। ये अभयारण्य उन चुनिंदा जगहों में से है जहाँ पर एक सींग वाले गैंडे अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर 375 तरह की चिड़ियों की प्रजाति मिलती है, जिनमें कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। क्या आपको पता है कि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। स्यादवाद किस धार्मिक मत से संबंधित है? बौद्ध, जैन, आजीविका, वैष्णव। इस प्रश्न का उत्तर है जैन। स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं। स्यादवाद का अर्थ होता है सापेक्षतावाद। इस मत के अनुसार हमारी कुछ भी समझने की क्षमता हमारे कुछ पूर्वाग्रहों या प्रेजुडाइज की वजह से सीमित होती है। अगर हम किसी चीज़ को पूरी तरह समझना चाहें तो ये तभी संभव हो सकेगा जब हम सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कैवल्य या ज्ञान प्राप्त कर लें। क्या आपको पता है कि जैन धर्म से संबंधित दूसरे मत कौन-कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं।